अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज मैं पास्ता रेसिपी लेकर आई हूँ और आज हम लोग की मुलाकात जो है किचन में है। अच्छा, पास्ता रेडी करने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हैं हमारे पास चिली गार्लिक सॉस या केचप, आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा वाइट विनीगर है हमारे पास, ब्लैक सोया सॉस है, और हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, प्लेन मेयोनीज है और ऑयस्टर सॉस है। डिपेंड करता है आप ऑयस्टर सॉस यूज़ करना चाहें या ना चाहें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक अदर जो है वो बॉल चिकन है, बोनलेस चिकन या चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा सूखे मसाले में हमारे पास है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और ये है मिक्स हर्ब्स, ये भी आप ऑप्शनल है, मिक्स हर्ब्स आप यूज़ करना चाहें या ना चाहें। इसके अलावा हमारे पास है रेड चिली सॉस, ठीक है, या जो भी आपके पास मौजूद हो। और इसके अलावा हमारे पास है एक टमाटर, ठीक है, वो भी स्लाइसेस या फिर चॉप किए हुए, ठीक है। तो नाउ अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जो है इसमें थोड़ा सा बहुत ही जो है वो लिमिटेड हम इसमें जो है वो ऑयल डालेंगे। हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और जो हमारा लहसुन का पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा सौते हो जाए तो फिर हम जो है इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। ओके, अब हम इसमें जो है वो सारे अपने मसाले जो है वो ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, ये जितने भी मसाले हैं वो अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं सारे, ठीक है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अपने ही पानी में जो है ये खुश्क हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके पानी को ड्राई करने में, क्योंकि हमने बनानी है झटपट रेसिपी, ठीक है। तो अब ये सौते होती रहेगी और ये इसी में पकती रहेगी, ठीक है। अच्छा, सॉसेज में हमने जो है वो वाइट विनीगर कहा था, तो अभी हम इसमें वाइट विनीगर डालेंगे, प्लेन वाला, ठीक है, फ्लेवर वाला नहीं करेंगे हम इसमें। इसमें हमने डाल दिया सोया सॉस ब्लैक, के अलावा हमने इसमें डालना है ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस आपका ऑप्शनल है, इट्स डिपेंड कि आप ऑयस्टर सॉस डालें या ना डालें, जैसे मिक्स हर्ब थे, ठीक है। बाकी अभी केचप और प्लेन मेयोनीज अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। अच्छा, हमने पहले से जो है ये बॉयल कर लिया था और ये इस स्टेज पर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 85 या 90% जो है आपने इसको जो है वो बॉईल करना है। बॉईल करने का तरीका ये है कि पानी में नमक और ऑयल डाल के पहले पानी बॉईल कर लें और उसके बाद फिर ये डाल दें, और 85 to 90% आपने जो है इसको पकाना है, फिर बाकी ये उसमें पकेगा। अच्छा, ये अब हम इसमें इसे स्टेज पे डाल देंगे क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है, ठीक है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर अच्छी तरह से। अच्छा, अब हमने जो प्लेन मेयोनीज दिया था हम आप तो इसमें लो कर देंगे, जो हमने प्लेन मेयोनीज दिया था वो फिर अब हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमने गार्लिक सॉस लिया था, चिली गार्लिक सॉस, अगर आपकी मर्ज़ी आप चिली गार्लिक सॉस लेना चाहें वो, नहीं तो आप प्लेन केचप भी ले सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे प्रॉपर। अच्छा, फाइनली जो है अब हमारा पास्ता रेडी हो गया और हमने जो है वो स्टोव बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल लुक है, अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ओके, फाइनली ये है हमारा पास्ता का जो है वो फाइनल लुक आफ्टर डिश आउट, और सोच रही हूँ कि मैं टेस्ट कर लूँ। दैट इज़ सो यम्मी, और बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है और बहुत ही यम है।
आप लोग इसे ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा पास्ता बना। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।